अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग साथ फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अराउंड 100 शॉर्ट क्वेश्चन हैं पूरी बुक में से, लेकिन अगर आप चाहें तो पेपर स्कीम की वीडियो जो मैंने शेयर की हुई है तो वहाँ से आप लोग आइडिया लेकर मखसूस चैप्टर्स के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह ये 100 से भी बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप लोग तैयार करने पड़ेंगे। बाकी मेरा मशवरा है कि आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन अगर तैयार किए हुए हैं तो इनको सारों को जो है रिवाइज करके जाइएगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन का गेस है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर वन जो है इसमें 7 क्वेश्चन जो है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम जो है वो कम है आप लोगों के पास, तो तैयारी आप लोगों ने करनी है, वीडियो लेंथी ना हो, तो इसलिए आप बस जो है इन क्वेश्चन को देखते जाएँ। तो पहले 7 क्वेश्चन जो है देख लें, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 मोल ऑफ H2SO4 शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH, हाउ डज एवोगैड्रो नंबर हेल्प अस टू एक्सप्लेन इट। तो ये 8वां क्वेश्चन है, 9वां, 10वां, 11वां भी देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन 12 से लेकर 19 तक वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो इनको भी आप अच्छी तरह जो है देख लें। फिर हम चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनकी जाने मूव करते हैं। इसका चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट्स आर मोर इफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन, व्हाई। तो इसको आप जल्दी से देख लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के जो है 20 से 28 तक 9 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग जल्दी से देख लें। पहला क्वेश्चन है, गैसेस बिहेव एडली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एक्सप्लेन। और आखिरी है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ इन रेस्पिरेशन। तो ये 20 से 28 तक ये क्वेश्चन है, इनको जल्दी से देख लें चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को 29 से 36 तक 8 शॉर्ट क्वेश्चन ये बनते हैं, तो हर चैप्टर में 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, एडिशनल भी हैं और एक्सरसाइज वाले भी। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। और 36 इसका क्वेश्चन है, वेयर आयोनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल। तो ये जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के आप जल्दी से देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के 2 क्वेश्चन इस पेज पर नज़र आ रहे हैं, वे पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कनार रेज। और 38 है, हाउ डू यू कम टू नो दैट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर हायर देन दोज इन हायर ऑर्बिट्स। तो इनको देख लें, फिर हम जो है नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं जहाँ पर बाकी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का 39 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज ज़ीमान इफेक्ट। और आखिरी 47 क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है जल्दी से देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में 13 क्वेश्चन है, 48 से 60 तक आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो इनको देख लें। पहला है, बॉन्ड डिस्टेंस इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स जस्टिफाई। और लास्ट है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 एंड CH2 आर 0 बट दैट ऑफ COZ इज 1.61 डी वाई। तो इसको आप जल्दी से देख लें चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 के 8 क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पहला, एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पोंटेनियस प्रोसेस। दूसरा, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद एन एग्जांपल। और लास्ट में है, स्टेट बॉर्न हाइबर सैंकल। तो इनको आप जल्दी से देख लें,
फिर हम जो है चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 के जो है आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। द सोलबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सप्लेन, और आखिरी है स्ट्रेटली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो इस 6 क्वेश्चन को आप जो है जल्दी से देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 8 के बाकी क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर 9, 10, 11 जो है उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है चैप्टर नंबर 8 का, व्हाट इज सोलबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट इज द सोलबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर PbCl2। और 78 है व्हाट आर एसिडिक बफर गिव एन एग्जांपल। तो इस तरह जो है 69 से 78 तक टोटल जो है ये 10 क्वेश्चन बनते हैं जो कि ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9th के भी नज़र आ रहे होंगे, 79 से 88 तक ये भी 10 क्वेश्चन है। वन मोलार सॉल्यूशन इज़ मोर डाइल्यूट देन वन मोलार सॉल्यूशन जस्टिफाई, और आखिरी है बिकमंस थर्मोमीटर इज यूज्ड टू नोट द डेप्रिसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाई। तो इन क्वेश्चन को आप जल्दी से देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 10 के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के। वीडियो के एंड में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके वीडियो जो है वो भी नज़र आ जाएगी टैब, और साथ जो है आपको पेपर स्कीम भी नज़र आ जाएगी, तो उसी के मुताबिक जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 जो है इसके 89 से 98 तक 10 शार्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्राइड इन वोल्टेक सेल, हाउ सोडियम मेटल इज प्रिपेयर्ड बाय डाउन सेल्स, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, और फिर जो है एंड में राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर अदर बैटरीज। तो 10 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के शार्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको भी आप लोग जल्दी से देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 11 के शार्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 के 99 से 108 तक शार्ट क्वेश्चन जो है आपको इस पेज पर नज़र आ रहे होंगे। पहला है डिफाइन रिएक्शन काइनेटिक्स, 99 क्वेश्चन है, और 108 क्वेश्चन है अ कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्टिफाई। तो इनको आप देख लें, बाकी जो हैं 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 के वो नेक्स्ट पेज पर होंगे, तो इनको देख लें, फिर जो है हम नेक्स्ट पेज पर वो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। उसके बाद 109 है अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर जस्टिफाई डिफाइन कैटलिटिक पॉइजनिंग, व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट गिव एग्जांपल, व्हाट इज ऑटो कैटलिस्ट गिव एग्जांपल, गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइजेस। तो इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से देख लें। उसके बाद आप लोगों को जो है वो स्क्रीन पर पेपर स्कीम जो है वो नज़र आ रही होगी, उसी के मुताबिक आप शार्ट क्वेश्चन के कुछ चैप्टर जो है वो भी स्किप कर सकते हैं। मशवरा यही है कि ओवरऑल जितने क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट बताएं सारे कर लें, लेकिन तैयारी आपकी बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आप जो है कुछ चैप्टर स्कीम के मुताबिक स्किप कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो जो है वो नज़र आ रही होगी, इसको भी आप क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।